प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन जारी है। जयपुर के रामगंज इलाके सहित अन्य इलाकों में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद से ही कर्फ्यू लगाया हुआ है। यहां लगातार ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। वहीं शहर के अन्य इलाकों में भी अति आवश्यक सेवाओं के वाहनों को छोड़कर अन्य सभी की आवाजाही बंद है। शहर में जगह जगह नाकाबंदी की गई है और जवान तैनात किए हुए हैं जा रहे हैं। आज आंकड़े की बात करें, जयपुर में जो कोरोना वायरस का जो ग्राफ है वो 850 से ऊपर हो गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जयपुर में जगह जगह पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जा रही है। आने जाने वाले यात्रियों को विशेष तौर पे सख्ती से पुलिस पालन करवा रही है और जो जयपुर के हॉटस्पॉट एरियाज हैं उन पे विशेष तौर पे पुलिस निगरानी रखी हुई है। हर आने जाने वाली गाड़ियों पे पूछताछ की जा रही है। पूरी तरह से परिचय देने के बाद ही गाड़ियों को अंदर निकाला जा रहा है यहाँ से। अब टीबी की जो जांच की जाने वाली सीबी नाट मशीन है उसके द्वारा भी अब कोविड-19 का टेस्ट किया जा सकेगा, जिसके द्वारा बहुत त्वरित गति से रिजल्ट आ सकेंगे और प्रॉपर मरीजों को इलाज कर पाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। हर जगह बैरिकेड्स लगा के पुलिस आने जाने वाले यात्रियों को पूछताछ करके ही निकाला जा रहा है। राहुल शर्मा, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।